हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार और यहाँ हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन। इसमें हम एजुकेशन का जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिक बैकग्राउंड है, ब्रिटिश टाइम से और उससे पहले से भी एंशिएंट टाइम में एजुकेशन किस टाइप से चलती थी और उसके बाद अब एजुकेशन किस टाइप से है, उस पूरे सीरीज़ को हम डिस्कस करते आएंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप एक तरह से समझ लीजिए कि एजुकेशन का सिस्टम आप पहले एंशिएंट लेवल पर पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप मिडेवल लेवल पर पढ़ेंगे, उसके बाद आप मॉडर्न लेवल पर पढ़ेंगे। तो ये तीन स्टेप्स को कवर करके हम लोग पूरा एजुकेशन सिस्टम समझेंगे कि इस टाइम में हम एजुकेशन कैसे लेते थे, इस टाइम में कैसे लेते थे और आज कैसी हमारी एजुकेशन पॉलिसी है। इन तीनों चीज़ों को हम कवर करेंगे इस एजुकेशन का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा पाश्चात्य समय का था, एंशियंट टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था। देखिए, जो हमारा एजुकेशन टाइम का जो सॉरी पाश्चात्य टाइम का या एंशियंट टाइम का एजुकेशन सिस्टम था, उसमें कोई ऐसा तो था नहीं कि भाई कोई यूनिवर्सिटी खुली हुई है, ठीक है, वहाँ जाकर बच्चे बैठे हुए। बेसिकली जो एजुकेशन मिलती थी, आप लोगों ने टीवी सीरियल में भी देखा हो, जैसे महाभारत रामायण किसी ने देखी हो, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता था कि आश्रम हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। तो जो एंशियंट टाइम से अगर हम देखें तो आश्रम जो थे और जो गुरुकुल थे, इनके द्वारा वहां शिक्षा दी जाती थी और इन दोनों जगहों पर जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे, वो किस टाइप के बच्चे हुआ करते थे, वो खास तौर पर जो ब्राह्मण कैटेगरी के बच्चे थे वो हुआ करते थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ब्राह्मण कैटेगरी के बच्चे ज़्यादातर शिक्षा ग्रहण किया करते थे। अब ऐसा तो था नहीं केवल उसी टाइम में ब्राह्मण जो बच्चे थे वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अलावा भी बच्चे थे। देखिए, जो ऊपर कैटेगरी के बच्चे थे उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, नीचे वालों को नहीं था। लेकिन उसके अपोजिट अब जाएँ तो जैसे कुछ बच्चे उसमें हुआ, उस टाइम पर भी हुआ करते थे, जिसको हम मुस्लिम कैटेगरी में भी जानते हैं। ठीक है, ये जो मुस्लिम कैटेगरी थी ये भी शिक्षा ग्रहण करती थी। और ये शिक्षा कैसे लेती थी, इनका शिक्षा का जो मोटिव था, शिक्षा का जो वे था, वो जैसे मस्जिद होती थी ना वहाँ पर, उनमें जो कुरान होती थी, ठीक है, उन कुरान के माध्यम से जो मौलवी होते थे उनको वो शिक्षा देते थे। तो यहाँ पर जो कुरान थी जिसमें मौलवी जो होते थे वही इनका शिक्षा का माध्यम हुआ करता था। तो इस टाइप से आपकी एंशियंट जो एजुकेशन है वो चलती थी। अब एंशियंट एजुकेशन जो हम जानते हैं, पाश्चात्य जो हमारी शिक्षा है, उसको क्या हम किसी प्रकार से सफिशिएंट कह सकते हैं, कह सकते हैं भी कितनी अच्छी है कितनी बेकार है, हम इसमें पूरी तरह से नहीं कह सकते। देखिए, 18वीं सदी को हम माने तो समाज में जो शिक्षा थी वो केवल किस पे आधारित थी, क्या उसमें साइंस जैसी चीज़ें थी? नहीं, साइंस नहीं था उसमें। आप कोई ज्योग्राफी नहीं पढ़ते थे, उठा के आपने ज्योग्राफी पढ़ा, उसको जाना कि भाई प्लेट्स किस टाइप की होती हैं, एटमॉस्फेयर क्या है, वो सब आप नहीं जान पाते थे। ठीक है, वहाँ पर शिक्षा जो हुआ करती थी वो हमारी किन चीज़ों को जोड़ के हम ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, धर्म को हम समझ सकते थे उसमें। ठीक है, ये धार्मिक शिक्षा हमें ज़्यादातर मिलती थी उसमें। उसके साथ साथ हमारे जो वेद थे, ठीक है, वेद, ठीक, और जैसे हमने गीता में पढ़ी, गीता में पढ़ा, आज भी पढ़ा जाती है, गीता हो गया, ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें थी ये सब हम पढ़ते थे हमारे पाश्चात्य शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, मतलब आज भी हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, धर्म की शिक्षा आज भी दी जाती है, लेकिन आज जो स्वरूप है धर्म का शिक्षा देने का वो बदल चुका है, पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। लेकिन उस समय जो था, देखिए आप किसी गुरुकुल में जा रहे हैं, वहाँ पर एक शिक्षा और थी जो केवल क्षत्रिय जो बच्चे होते थे ना, जो कहते थे क्षत्रिय कुल से आते थे, उनको दी जाती थी। और वो किस प्रकार की शिक्षा होती थी, वो शिक्षा होती थी कि क्षत्रिय धर्म क्या होता है उसको सीखना, ठीक, और किस प्रकार से उनको अपने शस्त्रों का उपयोग करना है, किस प्रकार से वो शस्त्रों को चलाएंगे, उनकी गति क्या होगी। अब ऐसा तो नहीं है, सोचिए कि कोई आप शस्त्र चला रहे हैं, जैसे कि आप आज की डेट में कोई मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, और मिसाइल्स की आप रेंज जानते हैं कि भाई 3000 किलोमीटर तक है, 5000 किलोमीटर तक है, लेकिन उस टाइम पे मिसाइल की जो रेंज थी
क्या वो मिसाइल थी उस टाइम पे? नहीं, उस टाइम पे क्या चलता था सोचिए, वो भाला होता था ना, हाथ से फेंकने वाला भाला, ठीक। अब सोचिए, आपने देखा होगा मिसाइल का नाम, हिंदुस्तान में जो हमारा भारत है उसमें मिसाइल का नाम कैसे रखा जाता है? जैसे आपने आज सुना होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल हो गई, ठीक है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल जो है पूरी तरह से इंडिया की नहीं है, ठीक, वो तो दूसरे देश का हमने मिलकर बनाई है। लेकिन जैसे अभी देखिए, एक मिसाल का मैं नाम लेता हूँ आपको, अस्त्र मिसाइल, ठीक। अस्त्र मिसाइल क्या है? वो जमीन से भी छोड़ी जा सकती है और आकाश से भी छोड़ी जा सकती है, ठीक। अब उसकी खासियत क्या होगी? अस्त्र का मतलब, आप भाला पहले जमाने में आप देखते थे कि भाला, भाले को आप क्या करते हैं कि हाथ से फेंक सकते हैं, ठीक है। तो इंसान जमीन पर खड़ा है लेकिन वो जा तो हवा में रहा है, और जो मार करेगा वो हवा ही मार करेगा और जमीन पर भी गिर के मार करेगा, ठीक है। तो उन्हीं पुराने जो अस्त्र शस्त्र थे उन्हीं को आज डेवलप रूप आप उसको कह सकते हैं कि आज आपका वो डेवलप रूप है, क्योंकि आज आपने उसके साथ में साइंस जोड़ दी है, ठीक। तो एंशियंट टाइम में साइंस नहीं थी, लेकिन उस टाइम में भी एक स्पीड जो होती है ना, स्पीड वो तो चीज़ थी ना कि भाई बताया जाएगा कि आपको इतनी दूरी पर मार करना है तो उसकी रेंज क्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने, अर्जुन ने तीर निकाला चला दिया कि भाई सीधा वो चला गया तीर और जाकर किसी का सर कट गया, वो गिर गया। वो जो सर कट के गिर रहा है उसके लिए भी उसको एक रेंज नापनी पड़ती है, भाई कितनी दूरी पे है, कितनी स्पीड में वो चलाना पड़ेगा, कहाँ तक वो जा सकेगा, ठीक। तो उस जमाने में भी ये चीज़ थी, लेकिन आज वो चीज़ हम साइंस को जोड़ के देखते हैं और हम साइंस में डेवलप कर चुके हैं। तो इस अकॉर्डिंग चलती थी आपकी एंशंट जो शिक्षा है वो, ठीक है। और अभी मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसको, और फिर इसके बाद हम लौटते हैं मिटाने के बाद में, ठीक है। फिर हम मिडेवल का पार्ट डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि मिडेवल टाइम में, ठीक है, किस प्रकार से शिक्षा जो थी हमारी थोड़ी और डेवलप हुई और क्या क्या उसमें चेंजेस आए। अब मिडेवल टाइम हमारा कब आएगा? अब जैसे देखिए, जो मुगल एम्पायर शुरू हुआ, ठीक, मुगल एम्पायर शुरू हुआ तो उसको हम पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट तक अगर देखें तो पूरा मिडेवल टाइम ले सकते हैं, ठीक है, और उसमें हम मॉडर्न टाइम भी इंक्लूड करेंगे। अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चलते हैं, पहले हिस्ट्री को समझ लेते हैं इसकी। देखिए 1600, ठीक है, ये जो ईयर है, ये ईयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है, आपके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें। क्यों करता है? इससे छोटा सा पहले हम जाकर देखते हैं, थोड़ा सा हम पहले जाते हैं पहले। ये जो ईयर अब लिख रहा हूं मैं यहां पर 1498, इस ईयर में वास्को डिगामा, ठीक, वास्को डिगामा कहां आया? इंडिया आया। वास्को डिगामा जो इंडिया है, कैसे आए? क्या वो घोड़े पे चढ़ के आए? अब देखिए कुछ, अगर देखिए आप अगर इंडिया के मैप पे फोकस करें, यहाँ मान लीजिए जैसे मैं छोटा सा डेमो की तरह बना रहा हूँ इंडिया का मैप, और ये आपका इधर का एरिया हो गया और ये पूरा का नॉर्थ का एरिया हो गया। देखिए अगर हम इंडिया के मैप पे फोकस करें तो ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ है आपका, ठीक है, और इधर आपका पूरा का पूरा बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। तो बचता कौन सा एरिया? एक तरह से ये खाली एरिया बचता है आपका। जो पहले जो मुगल संतलत आई थी, ठीक, मतलब 1498 की बात नहीं कर रहे हम, उससे पहले 1100-1200 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वो लोग कहाँ से आए थे? वो सभी के सभी इस एरिया से हमारे देश में आए थे, ठीक है। अब ये एरिया से अगर वो हमारे देश में आ रहे हैं तो क्योंकि उस टाइम पे क्या चलता था, घोड़े बैठ के वो आ रहे हैं, ठीक। और मैं इसमें बहुत डीपली नहीं घुसूंगा क्योंकि हम एजुकेशन सिस्टम में बात कर रहे हैं इसके, तो हम एजुकेशन पे चलेंगे। अब उसके बाद में थोड़ा सा क्या हुआ कि भाई जहाज़ों का डेवलपमेंट शुरू हो गया, ठीक, जहाज बन गए। अब जहाज बनने के बाद क्या हुआ कि भाई वास्को डी गामा जी चले और यहाँ से चले गए कहाँ? इंडिया आ गए। जब वास्को डी गामा जी इंडिया आ गए तो वास्को डी गामा जी ने किस चीज़ की खोज की? उन्होंने पुर्तगाल से लेकर के भारत तक का जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज कर ली, ठीक। खोज करने के बाद में अब इंडिया जो इंसान आ रहा है उसको आने के बाद में कॉस्ट लगी, खर्चा हुआ, खर्चे के बाद में वो यहाँ से कुछ चीज़ें मसाले वसाले लेकर के गए। लेकिन ये सब ले आने की उनको ज़रूरत क्यों पड़ी ये सब जानते हैं इसमें। देखिए मान लीजिए ये लोग जो यहाँ पर मैं बता रहा था पहले कि वास्को डी गामा से पहले जो लोग आ रहे थे उन लोग, वैसे तो नहीं है कि लोग आए और चले गए। आप भी किसी नए शहर या नए देश जाते हो तो वहाँ जाकर आपकी कोशिश क्या होती है कि आप कोई नई चीज़ वहाँ से खरीदो, ठीक है, और लाओगे भाई दिखाओगे कि देखो ये वहाँ की चीज़ फेमस है और हम ये लेकर के आए हैं। तो जो दूसरा बंदा आपको देखेगा उसका मन में क्या आएगा, अरे भाई बड़ी अच्छी चीज़ लाया, हमें भी चाहिए ये चीज़, हम भी लेकर के आएंगे। होता है ना कि भाई पड़ोसी आपका कोई कार खरीद ले तो आप देखते हो, अरे यार इन्हें कार ले ली, मेरे को भी कार लेनी चाहिए, मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। तो ये सोच जो होती है ये आपको आगे बढ़ाने के लिए होती है हमेशा, इससे दुनिया आगे बढ़ती है।
अब क्या हुआ कि भाई जब उन लोगों ने देखा कि प्रॉफिट है, जो कॉस्ट लग रही है वहां जाने की उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। इस प्रॉफिट को देखने के बाद में जो अदर यूरोपियंस थे उन्होंने भी सोचा कि भाई हमें भी वहां पर आना चाहिए, हमें भी वहां जाना चाहिए और बिजनेस करना चाहिए। अब बिजनेस करने के लिए सबसे पहले जो ये थे, क्या कहते हैं, यूरोपियन, ये सॉरी पोर्तुगीज तो आ गए, ठीक। पोर्तुगीज आने के बाद में उन्होंने भी देख लिया कि यहाँ पे बिजनेस है, चल रहा है, वहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स हो सकता है। उनके बाद में फिर डचों ने आना शुरू किया, साथ के साथ में जो ब्रिटिशर्स है उनकी नज़र भी इधर पड़ गई, क्योंकि एक समय तक ब्रिटिश में जो इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स था वो बहुत अच्छा फैला हुआ था, ठीक है। बहुत अच्छे वहाँ कपड़े, जो खासतौर पर कपड़े, कॉटन्स का जो बहुत अच्छा व्यापार वहाँ चलता था, तो कपड़े बहुत चलते थे वहाँ पर। अब इन सिस्टम के तहत में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ गए, और ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ छोटी सी, क्योंकि इससे समझ में आएगा आपको कि एजुकेशन सिस्टम को क्यों इम्प्रूव किया गया। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे चल करके आते हैं एजुकेशन सिस्टम पे। इसके एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत क्यों पड़ी, जब 1600 में यहाँ पर चार्टर एक्ट यहाँ दे दिया गया, तो इस चार्टर एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी है, और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, जो नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हर किसी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी होता है। देखिए पोर्तुगीज आएंगे तो इसके आगे लग जाएगा पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स है तो इसके आगे लग जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों है, क्योंकि जो हमारा भारत है वो ईस्ट में पड़ता है, तो इसके अकॉर्डिंग वो ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाते हैं। हर कोई उनको जो पश्चिम से आता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाता है, ठीक। अब पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। पहले आने के टाइम पर ब्रिटिशर्स का भी कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो आए वो और यहाँ पर शासन करें, राजतंत्र बनाएं, ऐसा कोई इरादा उनका था नहीं। लेकिन जब बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, उसके बाद में उन लोगों ने सोचा कि अभी ऐसा कुछ करना चाहिए, और वही चीज़ें बनी आधार। जो बैटल हुए ना, क्या कहते आपका 1757 और उसके बाद में 1764 का बैटल ऑफ प्लासी था और बैटल ऑफ बक्सर था, ये जो तो जो युद्ध हुए, वार हुए, इनके बाद में उन्होंने एक आधार बनाया कि हाँ अब हमें यहाँ पर अपना प्रभुत्व हासिल करना चाहिए, और हमें समझना चाहिए कि भाई किस प्रकार से हम यहाँ पर अपनी जो परचम है वो लहरा सकते हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, अपनी जो प्रजातंत्र है उसको बना सकते हैं। अब इसके बाद हम एजुकेशन सिस्टम पर चलेंगे, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर एजुकेशन सिस्टम पढ़ेंगे इसका। देखिए अब यहाँ से हम देखते हैं एजुकेशन सिस्टम क्यों डेवलप किया गया और क्यों डेवलप हुआ। एक बात सोचिए कि इंडिया में जो हम बात करते हैं कि भाई एजुकेशन प्रमोट होना चाहिए, एजुकेशन बढ़नी चाहिए, और उसके लिए हम टाइम के अकॉर्डिंग, समय को देखते हुए नई नई एजुकेशन पॉलिसी लाते रहते हैं, ठीक। लेकिन इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी है ना कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो इसी के अकॉर्डिंग यही पॉलिसी अपनाई गई थी आज से कई सौ साल पहले जब ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। उन्होंने पॉलिसी क्यों अपनाई पहले ही समझते हैं। देखिए 1600 में यहाँ पर आने के बाद धीरे धीरे ट्रेड एंड कॉमर्स कर लिया, उसके बाद जब बैटल ऑफ बक्सर हो गया, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद देखा गया भाई हाँ यहाँ पर अब अपना अधिकार जमाना चाहिए हमें, ठीक। अधिकार जमाने की बात आ गई, तब लोगों ने सोचा, खासतौर ब्रिटिश ने सोचा कि भाई हमें अधिकार करने के लिए यहाँ पर एक सिस्टम बनाना होगा, और उस सिस्टम को चलाने के लिए हमें एजुकेटेड पर्सन चाहिए, एजुकेटेड लोग चाहिए। वो जो एजुकेटेड लोग हैं वो कहाँ से मिलेंगे, अब अगर जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स को यहाँ बुलाया जाए इंडिया, तो भाई उनका आने का खर्च, रहने का खर्च, ठीक है, वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, और इतना फिर कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो उस के एवज में उनको क्या सिस्टम अपनाना पड़ा कि भाई जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं को एजुकेटेड कर दिया, और केवल इतना एजुकेटेड किया जाए जिससे कि जो यहाँ रहने वाले जो इंडिया के लोग हैं, जो इंडियंस हैं, वो इनका पूरा सिस्टम अपना ले। मतलब यहाँ यहाँ पर एजुकेशन हम देंगे, ठीक है, यहाँ एजुकेशन देंगे, तो एजुकेशन देने से सस्ते वर्कर मिलेंगे किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिससे क्या हो पाएगा कि उनको जो क्लर्कों की जरूरत है, क्योंकि अधिकारी तो बनाएंगे इन लोगों को, क्लर्कों की जो जरूरत है, जो बाहर से कॉस्टली क्लर्क उनको मिलेंगे, उससे उनको छुटकारा मिल जाएगा। अब इस सिस्टम से एक और बात की, जब ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, कभी भी वो हमारी जो धार्मिक शिक्षा है, ठीक है, और जो हमारी जो संस्कृति है उसको तो प्रमोट नहीं करेंगे,
वो किस चीज़ को प्रमोट करेंगे, इंग्लिश को। मोटे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश को प्रमोट करने का उनका जो मोटिव है वो क्या होगा। देखिए वो मान लीजिए इंग्लिश को प्रमोट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स अब जो खासतौर पर आधुनिक सिस्टम क्या कहते हैं ब्रिटेन में शुरू हो गया, ठीक है, वहां से जो चीजें आ रही हैं ये आप मान लीजिए पढ़ लिख लो, अच्छी तरीके से पढ़ लिख लो, तो आप क्या करेंगे, सूट वूट पहनेंगे, ठीक है, अच्छे होटलों में खाना खाएंगे, अच्छा पैसा आप कमाने की कोशिश करेंगे। ये सब किससे होगा? एजुकेशन से होगा। एजुकेशन के बाद अब कोई एजुकेटेड नहीं है, वो क्या करेगा भाई, ठीक है भाई ठेले पे खाना खा रहा है, ठीक है, वो गरीबी में जी रहा है, वो वहाँ जी सकता है। अब ऐसा नहीं कि हर एजुकेटेड बंदा पढ़ा बहुत हाई फाई होता है और गरीब बंदा, वो चीज़ अलग है, ठीक है, वो सब धारण छोड़ दो। यहाँ पर जो फोकस हम जिस चीज़ पर कर रहे हैं उस चीज़ पर ध्यान देना है कि खास तौर पे देखिए अगर आप किसी को धार्मिक शिक्षा में बांधेंगे, मतलब अगर आप ब्रिटिशर्स यहाँ पर इंग्लिश को ना पढ़ा करके जो हमारे जो धर्म की शिक्षा है, ठीक है, उसको पढ़ाते हैं, हमारी जो संस्कृति है उसको पढ़ाते हैं, तब क्या जो इनका मोटिव है कि भाई क्लर्क बनेंगे, ठीक है, और ऑफिसों में काम कर पाएंगे, वो पूरा हो पाता? नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स इंग्लिश जानते हैं, और ब्रिटिशर भी इंग्लिश जानते हैं तो ना तो उनको धार्मिक शिक्षा का पता है इनके यहाँ, ना संस्कृति का पता। हाँ हालांकि उन्होंने सीखा था लेकिन उतने लेवल पर नहीं सीखा, तो उनके उतने लेवल पर ना सीखने के कारण ही उन्होंने इंग्लिश को प्रमोट करने की कोशिश की। अब जब यहाँ इंग्लिश को प्रमोट करने की बात की गई तब एक विद्रोह सा खड़ा हो गया। विद्रोह कैसे खड़ा हुआ सोचिए, आज भी देखिए कोई पॉलिसी आप लॉन्च करते हैं, ठीक है, इंडिया में कोई पॉलिसी लॉन्च हो रही है तो एक होता है विपक्षी दल, एक होता है सत्ता दल, और दोनों में आपस में बात हो जाती है भाई आप ऐसी पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वही चीज़ जो लोग धार्मिक शिक्षा के फेवर में थे, ठीक है, वो लोग खड़े हो गए कि भाई अगर आप जहाँ पे धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं दोगे, इंग्लिश की तरफ फोकस करोगे, तो जो हिंदू धर्म है वो खतरे में पड़ जाएगा, हिंदुत्व खत्म हो जाएगा और लोग ईसाई धर्म की तरफ बढ़ने लगेंगे, क्योंकि ईसाई धर्म का बोलबाला ब्रिटिशर्स करते थे, ईसाई धर्म की तरफ बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, जगह जगह पर ईसाई धर्म फैल जाएगा, ठीक, और अपनी संस्कृति खत्म हो जाएगी। जो बात हम करते थे कि भारतीयता अपनाओ, ठीक है, स्वराज की बात हम करते थे, वो सब चीज़ें खत्म होने लगेंगी धीरे धीरे, क्योंकि जो इंग्लिश में जो एजुकेटेड पर्सन होगा, ठीक, वो क्या बात करेगा भाई कि साइंस की बातें वो ज़्यादा करेगा, ठीक है, साइंस हो गया और मतलब इनोवेशन की बात वो ज़्यादा करेगा, ठीक है, किसी भी तरह के इनोवेशन की बात सोचेगा। तो ये खतरा मंडराने लगा था। इस चक्कर में क्या हुआ कि भाई कॉन्फ्लिक्ट चलती रही इन दोनों के बीच में, हमेशा ये लाइन हमेशा बन के रही जब तक एजुकेशन सिस्टम बनाने की कोशिश की गई। और इस एजुकेशन सिस्टम को बनाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो गई। 1781 में एक कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया, कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें क्या किया गया कि जो मुस्लिम कानून है उससे संबंधित चीज़ों को उसमें पढ़ाया गया, मुस्लिम कानून संबंधित चीज़ों को। ये क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि जब मुस्लिम कानून संबंध, क्योंकि मुस्लिम लोग भी हैं और ख़ास तौर पे जो बंगाल का एरिया था, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल से पहले उसमें ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते थे, और जो कोर्ट जो था जिसकी इस्टेब्लिश की बात की जा रही थी तो वो भी उसी एरिया में इस्टेब्लिश होना था। तो यहाँ सोचा गया कि भाई अगर वहाँ से एजुकेटेड पर्सन को निकाला जाए पढ़ा करके, तो वो जो कानून जो चलेगा, मतलब कोर्ट जो चलेगा, तो उसमें वो हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, ठीक। तो इसके लिए क्या किया गया भाई, 1781 में मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की गई। उसके थोड़े टाइम बाद देखिए ये क्या करते थे कि एक एक्ट जो भी आता था, ब्रिटिशर्स का खास मोटिव हुआ करता था कि जो भी एक्ट बनेगा उसको हर 10 साल में रिव्यू किया जाएगा, ठीक। अब 1781 में एक्ट बना, उसके बाद अगला एक्ट कब बनेगा, 1791 में एक एक्ट बनेगा। 1791 में जो एक्ट बना उसमें क्या किया गया, जो हिंदू थे, ठीक है, उनके लिए कॉलेज बनाने की बात की गई, उनको बनाया गया। अब कॉलेज बना दिया गया, ठीक, लेकिन जो कॉलेज बनेगा और चलेगा तो चलेगा कैसे, सारी बात आके फंस जाती है यहाँ पर। और जब बात आके फंस जाती है यहाँ पर तो एक पॉलिसी अपनाने की बात की गई कि भाई एक कमीशन बनाया जाएगा। कमीशन कौन सा? एक हंटर कमीशन की बात की गई कि भाई एक हंटर कमीशन बनाओ। हंटर कमीशन क्या है? ऐसा नहीं कोई नाम है, एक व्यक्ति है हंटर जो उस कमीशन के अध्यक्ष बने, ठीक है, उसको कहा गया हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन से बोला गया कि भाई आप बताओ कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए इंडिया में और क्या क्या उसकी ज़रूरतें हैं।
एजुकेशन सिस्टम को बनाने के लिए, चलाने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज़ क्या होगी? वो होगी फंड की, ठीक है? फंड होगा तभी तो एजुकेशन सिस्टम चलेगा। और फंड को ध्यान में रखते हुए 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख, 1 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराने की बात की गई। भाई 1 लाख रुपए खर्चा किया जाएगा इंडिया में एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। लेकिन ये छोटी सी राशि दे तो दी गई, बात तो कर दी, लेकिन ये कई सालों तक, तकरीबन 3 से 4 सालों तक इसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया एजुकेशन के ऊपर। क्यों खर्च नहीं किया गया इसको जानते हैं, ठीक है? मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद जानते हैं क्यों खर्च नहीं किया गया। चलिए शुरू करते हैं। अब बात आ जाती है फंड की। मैंने भी बताया आपको कि 1 लाख रुपये की राशि जो नियुक्त की गई शिक्षा के लिए कि खर्च किया जाएगा, लेकिन कई सालों तक आते आते भी ये जो राशि है वो खर्च नहीं की गई। क्यों खर्च नहीं की गई? क्योंकि ये बात तय ही नहीं हो पाई थी कि भाई किस फील्ड में एजुकेशन मिलेगी, एजुकेशन में क्या होगा, शिक्षक कैसे होंगे, कॉलेज कैसे होगा, और किस प्रकार से पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, हायर एजुकेशन कहाँ तक होगी, कितने साल की होगी, ये सब बातें अभी तक डिस्कस ही नहीं हो पाई थी, केवल एजुकेशन की बात चल रही थी। तो इसलिए राशि अब तक खर्च नहीं की गई और बताया गया कि भाई हम 1 लाख रुपए दे देंगे किसके लिए, एजुकेशन के लिए। फिर धीरे धीरे, और ये जो काम चलता रहा, ये चलता रहा 1823 तक की राशि जब खर्च नहीं की गई, तो इसके आगे फिर बात की गई एजुकेशन को प्रमोट करने की, भाई एजुकेशन को और किसी दूसरे तरीके से प्रमोट किया जाए। अब यहाँ क्या होगा कि सबसे पहले इन्होंने एक काम किया कि भाई देखो, जब लड़ाई हो रही है तो लड़ाई होने के लिए दो ही प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन होते हैं, या तो आप उसे हट जाओ अलग, ठीक है, समझौता कर लो, या फिर आप उसके तरह डल जाओ, ठीक, या फिर उससे लड़ाई करो। तो यहाँ पर क्या किया गया कि अब ब्रिटिशर्स तो है कि हटने तो वाले नहीं है वो, तो उन्होंने क्या किया कि एजुकेशन में कंपलसरी चीज़ क्या कर दी, इंग्लिश कर दी, सॉरी एजुकेशन जॉब्स में इंग्लिश कर दी, कि जो भी भारतीय पढ़ना चाहेगा, जो भी भारतीय इंसान नौकरी करना चाहेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसको इंग्लिश का ज्ञान होना आवश्यक है। अब जब यह इंग्लिश को कंपलसरी कर रहे हैं लैंग्वेज के तौर पे, तब क्या आप सोच सकते हैं कि धार्मिक शिक्षा, ठीक है, या फिर आप जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि सांस्कृतिक समाज जुड़ी हुई एजुकेशन होनी चाहिए, तो उसका मोटिव पूरा हो पाएगा? तो ऐसी चीज़ों को मैं आपको जब घेर दिया गया, तब एक वर्नाकुलर लैंग्वेज का सिस्टम का मोटिव सामने आया, जब इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया। अब इंग्लिश कंपलसरी होने के बाद में मैक्सिमम जो बंदे हैं वो इंग्लिश की तरफ भागने लगे। इससे क्या हुआ कि जो शिक्षा के फील्ड में धार्मिक शिक्षा थी, ठीक है, उसके जो उसमें जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो भी यहाँ से अपने आप को हटाने लगे और इधर की तरफ रिमूव करने लगे, ठीक है। जो संस्कृत से जुड़े स्टूडेंट थे आपके, उन्होंने भी अपने आप को यहाँ से हटा लिया और इधर की तरफ भागने लगे। जो हिंदी पाठ्यक्रम पढ़ते थे वो भी यहाँ से हटने लगे और इंग्लिश की तरफ भागने लगे, क्योंकि सबको किस चीज़ की जरूरत होती है, पहले जॉब की। अगर पढ़ रहा था इंसान, उसको जॉब चाहिए, और जॉब जब चाहिए तो उसको क्या, यहाँ पे कंपलसरी तरह इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, कंडीशन डाल दी। अब ये तो ऑटोमेटिकली कम होने लगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब इसका स्तर गिरने लगा, तब कुछ जो धर्म सुधारक थे उन्होंने बात की कि भाई ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये स्तर गिरना नहीं चाहिए, ये स्तर हमेशा बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग अगर अपनी धार्मिक की अपनी संस्कृति को छोड़ देंगे तो समस्या आ जाएगी। अब यहाँ पर जब समस्या की बातें करने लगे कि भाई समस्या आ जाएगी, तो समस्या का निवारण करने की बात करेंगे, तब हमारे जो देश के कुछ धर्म सुधारक थे, मतलब जैसे राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय जी जो थे वो बहुत ही अच्छे सोच विचारक थे, इन्होंने क्या कहा कि भाई एक समय होता है हर चीज का। जैसे आप अगर किसी धार्मिक शिक्षा, संस्कृति या हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अभी जो समय चल रहा है हमारी जरूरतों के हिसाब से, वो हमारा समय है आगे बढ़ने का, अपने जो हमारा इंडिया है, भारत है, उसको प्रगति के रास्ते पर ले जाने का। और उसके लिए उस समय जरूरत किस चीज़ की थी, इंग्लिश की। क्यों? क्योंकि जो साइंस थी वो इंग्लिश में ही ज़्यादातर पढ़ाई जाती थी, और आज भी आप देख रहे हो इंग्लिश का कितना बोलबाला है। तो जो इंग्लिश
जो चीज़ थी उसको भी राजा राम मोहन राय ने सपोर्ट किया कि भाई आप क्या है कि एजुकेशन को प्रमोट होने दो, जिस प्रकार से एजुकेशन चाह रहे चलने दो, हमारे जो भारतीय स्टूडेंट पढ़ेंगे तो वो काम आएगा किसमें, हमारे देश को आगे विकास के रास्ते पर ले जाने के, ठीक है, ले जाने के लिए। लेकिन जो धर्म से जुड़े लोग थे, जो धार्मिक लोग थे, उनका मानना था नहीं ये गलत हो रहा है, ऐसा होने नहीं चाहिए, ठीक है, हमें आज भी धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए और अपने धर्म को प्रमोट करना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों में क्या लिखा है पता होना चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा, बेड़ियों में जकड़ने ऐसी बात हो जाएगी, ठीक है, कि आप बेड़ियों में पुराने रीति रिवाजों को जकड़ के बैठे हुए, और जब तक आप बेड़ियों में पुराने रीति रिवाजों में जकड़े हुए रहेंगे या फिर अपने आप को जकड़ा हुआ रखेंगे उसमें, तब तक आप इनोवेशन की बात नहीं कर पाएंगे, साइंस की बात नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप प्रगति नहीं कर पाएंगे, और प्रगति करने के लिए बदलाव जरूरी है। और राजा राम मोहन राय जो बात करते थे वो किस चीज़ की बात करते थे, हमेशा बदलाव की, कि बदलाव होना चाहिए समय के अनुसार, जैसे जैसे समय बढ़ना चाहिए वैसे वैसे बदलाव की कंडीशन भी बढ़नी चाहिए। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय की ऐसे सोच विचार होते थे। तो इसी को लेकर के फिर धीरे धीरे 1835 में एक कॉलेज खोला गया, ठीक। अब देखो इसमें खास तौर पे क्या हुआ कि जो धार्मिक सांस्कृतिक और हिंदी, इनके जो स्कूल और कॉलेज हुआ करते थे, जब इनमें बच्चे जो कम होने लग जाएंगे तो ये बच्चे कहाँ की तरफ बढ़ेंगे, इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश की तरफ ये बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये जो स्कूल हैं, बहुत से स्कूल ऐसे हो गए थे जो बंद हो गए, जिनका चलना भी कम हो गया, और चलना इनका कम होने के बाद में जो दूसरे स्कूल हैं कुछ स्कूलों को बंद करके और उनको फिर दूसरे स्कूलों में कन्वर्ट किया गया। इससे क्या होगा कि ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा है वो बच गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर मतलब अपना दो सिस्टम अपनाया कि भाई ऐसे कर दो, ऐसे एक कंडीशन क्या लगा दी उन्होंने, इंग्लिश की, इंग्लिश की कंडीशन लगा करके उन्होंने ये सारा खेल रच दिया कि भाई ऐसे सिस्टम बन जाएगा, इसका सबसे बड़ा जो प्रॉफिट मिलने वाला था किसको मिलने वाला था, वो मिलने वाला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि उनको बहुत ही सस्ता श्रम मिलने वाला था, ठीक है, ऐसे लोग मिलने वाले थे जो इजीली काम कर सकें। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें वुड डिस्पैच को लेकर के, ठीक है, और फिर उसके अंदर एजुकेशन सिस्टम कैसे बना, क्या चला, उन सब को लेकर डिस्कस करते हैं। देखिए 1835 के बाद की कंडीशन कैसी हुई उसको हम समझते हैं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन 1835 के बाद में जब एजुकेशन को और आगे बढ़ाने की बात की जा रही थी, ठीक, तभी भी एक वर्ग ऐसा था जिसके ऊपर कोई ध्यान देना ही नहीं चाह रहा था, और वो था हमारा फीमेल वर्ग, ठीक है, जो महिलाएं थी हमारी। पहले से ही क्या होता था, जो कंपनियां थी, ठीक है, जो गवर्नमेंट थी उसमें महिलाओं के लिए कोई वैकेंसी तो हुआ नहीं करती थी, ठीक है, ज़्यादातर पोस्ट पे, ज़्यादातर क्लर्क से लेकर के हायर पोस्ट तक जो पुरुष थे वो ही रहते थे। तो उनका मानना था भाई जब पुरुष हैं और वो ही जॉब करेंगे तो एजुकेशन भी उन्हीं को मिलनी चाहिए, इसमें महिलाओं को कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो महिलाओं को जब रोल नहीं होगा तो उनकी शिक्षा का स्तर गिरता जाएगा, और वो गिरते गिरते बहुत गिर गया, इतना गिर गया कि इन केस ही कोई महिला पढ़ती थी, जो एजुकेशन 1835 से पहले थोड़ी बहुत थी भी, जैसे गुरुकुल में कोई महिला पढ़ रही है, ठीक है, या फिर आश्रम में कोई ज्ञान ले रही है वेदों का पुराणों का, तो वो भी चीज़ खत्म हो चुकी थी उससे पहले ही। तो यहाँ पर क्या था कि कुछ सालों में गिर करके इतना गिर गया कि 94% तक महिला ऐसी हो गई थी जो एजुकेटेड थी ही नहीं, जिन्हें शिक्षा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, ठीक है। और ये जो ज्ञान अज्ञानता की स्थिति, ये एक बहुत बड़ा कारण बना जिससे महिलाओं की स्थिति समाज में और भी खराब होती चली गई। अब एजुकेशन सिस्टम में महिलाओं की स्थिति जब गिरेगी तो उससे दूसरे लोगों पे इफेक्ट पड़ने लगा। इफेक्ट किन लोगों पे पड़ा, जैसे पारिवारिक जो लोग हैं, ठीक है, कुछ देखिए कुछ महिलाएं क्या होती थी कि कुछ महिलाओं को हम किस में कंसिडर कर सकते हैं, जो 6% महिलाएं जो बचेंगी उसमें हम कंसिडर कर देखते हैं, ठीक है, जो 6% महिलाएं बच रही हैं जो एजुकेशन ले रही हैं, एजुकेटेड हैं या फिर हो चुकी हैं, ये जो महिलाएं थीं ये चाह रही थी कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अब ये कार्य करने लगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी एक विद्रोह पैदा होने लगा, और ये विद्रोह कैसे हुआ, यहाँ पर भी छोटी सी स्कीम अपनाई गई, फूट डालो शासन करो वाली, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने सीधा सीधा इस में हाथ डाले, मतलब महिलाओं के एजुकेशन सिस्टम में हाथ डालने से साफ इनकार कर दिया कि हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता था पहले से ही कि भाई किसी भी प्रकार से धार्मिक चीज़ों में छेड़छाड़ ना की जाए। धार्मिक चीज़ों में छेड़छाड़ का मतलब कैसे था कि जो महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं की जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, ये धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक, जैसे होता था ना कि पहले जो नीचे तबके के लोग होते थे, नीचे जात के लोग होते थे, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उसी के साथ में महिलाओं के लिए भी यही रूल था कि उनको भी पढ़ने ना दिया जाए, उनको शिक्षा का कोई काम नहीं है, कोई महत्व नहीं है उनकी शिक्षा का। तो ब्रिटिश सोच ले कि अगर हम इनके लफड़े में पढ़ेंगे तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम चल चुका है उसमें भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा, तो इन्होंने उससे हाथ झाड़ लिया। लेकिन यहाँ जो एजुकेटेड कुछ लोग बचे थे वो चाहते थे कि महिलाएं पढ़ें। ठीक, साथ में ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करने लगे कौन? जो लोग धर्म से जुड़े हुए थे, ठीक है, और जो संस्कृति को लेकर चलते थे, ये लोग जुड़ गए ब्रिटिशर्स से। अब जब ये लोग कनेक्ट हो गए इनसे, तो ये वाले जो लोग हैं ये तो कम तादाद में लोग रह गए, तो इनमें क्या हो गया, आपस में झगड़े जैसी स्थिति बनने लगी। और इस झगड़े को सुलझाने के लिए फिर से कोई नीति बनानी जरूरत थी, लेकिन ऐसी कोई नीति बनाई ही नहीं गई, ऐसी कोई नीति चलाई नहीं गई, एजुकेशन सिस्टम ऐसा कुछ चलाया नहीं गया। फिर इसके लिए फिर बात की गई दोबारा से कि भाई किसी भी प्रकार से इस चीज को बदला जाए। अब 1854 में वुड डिस्पैच की बात की गई। ये वुड डिस्पैच क्या है? देखिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसमें एक अधिकारी थे, उन्होंने एक लेटर वहां से भेजा, एक एक्ट भेजा बना करके कि भाई इस अकॉर्डिंग एजुकेशन चलनी चाहिए, इतना फंड मिलना चाहिए, इतना आप खर्च करोगे। खर्च करने में देखिए लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो चुका था कंपनी का, लेकिन फिर भी उसका 1% भी, 1% भी एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करना नहीं चाहती थी कंपनी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि सबके सब तो एजुकेटेड एजुकेशन ले नहीं सकते, और सबको सबको एजुकेशन देना भी नहीं चाहते। वो इतने लोगों को एजुकेटेड करना चाहते थे जिससे केवल उनका काम चल सके। ठीक है, अब वुड डिस्पैच भी आ गया, वुड डिस्पैच ने भी अपनी बातें रख दी, अपने काम की बात रख दी। वुड डिस्पैच का कहना था कि हम इंग्लिश को इसलिए प्रमोट करना चाहते हैं कि इंग्लिश को बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो भारतीय शिक्षा है उसका कोई महत्व नहीं है इंग्लिश के सामने। मतलब समझिए, एक एग्जांपल देता हूँ कि एक छोटे से कमरे में एक अलमीरा रखी हुई है, इसमें बुक है, ठीक है, उस अलमीरा में इंग्लिश की बुकें रखी हुई हैं, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन संबंधित बुकें रखी हुई हैं, और हिंदुस्तान का पूरा ज्ञान एक तरफ और वो अलमीरा एक तरफ, तो इतना फर्क मानते थे ब्रिटिशर्स लोग इंडिया की एजुकेशन में और ब्रिटिशर्स एजुकेशन में। ठीक है, तो इसको लेकर ये मानते थे कि भाई उन लोगों को एजुकेशन सिस्टम की समझ नहीं है, सोच विचार नहीं है उनके अंदर, इसलिए इनका जो सिस्टम है इंडिया का वो बेकार है, उसको हटा दिया जाए और अपना सिस्टम लागू कर दिया जाए। तो ये आया था चीज़ें वुड डिस्पैच के अंदर। और यहाँ पर जो हमने समझने लायक चीज़ें थी वो समझ ली, और अब हम बात करेंगे कि भाई एजुकेशन सिस्टम को हमने कैसे प्रमोट किया, हाई एजुकेशन सिस्टम क्या चला हमारे इंडिया में, कैसे आया, कितने साल का हुआ, वो सब हम जानेंगे अगले उसमें। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर समझते हैं।